Standard form of integration. Standard form of integration. Standard form of integration. Integration. This is integration ds upon root of a square minus x square. ठीक है, इसका integration क्या होता है? इसका integration sin inverse x upon u होता है, plus constant of integration. Integration of ds upon root x square minus a square. देखिए a square minus x square है, तो x square minus a square. इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू log, ठीक है, log mod x plus root x square minus a square plus c. और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x इनटू रूट ऑफ x स्क्वायर x इनटू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू sec इनवर्स x बाय a प्लस c होता है. ठीक है, और अच्छा जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन 2a, नहीं 1, इसकी वैल्यू tan इनवर्स x बाय a होगा, tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c. ठीक है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c इसका फॉर्म होगा. ठीक है, तो dx इक्वल टू
थीटा की वैल्यू आप इसका डी थीटा वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू आपकी होगी यहां से x / a इक्वल टू sin ऑफ थीटा, यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x / a हो जाएगा, तो जगह sin इनवर्स x / a + c ये आंसर होता है। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dx / रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो। अब इस तरह से दूसरा फॉर्म प्रूव कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आ जाइए इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आ जाइए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स / रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। इस केस में एक्स इक्वल टू ए सेक की चलेंगे या ए कॉस एक्स की चलेंगे। ठीक है, जब रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो ए सेक की चले जाता है या फिर ए कॉस एक्स की चले जाता है, तो डी एक्स / डी थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी / डी थीटा ऑफ सेक थीटा ना। तो डी एक्स डी एक्स इक्वल टू डी एक्स / डी थीटा इक्वल टू हो गया ए sec ऑफ थीटा इनटू tan थीटा है ना। यहां से डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए sec थीटा tan थीटा डी थीटा है ना। डी वैल्यू हम रख देते हैं तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए sec थीटा tan थीटा डी थीटा / रूट ऑफ ए sec थीटा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ए sec थीटा tan थीटा ठीक है डी थीटा / ए रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस है ना। तो जगह ए sec कट गया इंटीग्रेशन sec ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा और डी थीटा / tan थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan tan स्क्वायर थीटा और इसलिए इसे बोलते tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा इंटीग्रेशन sec थीटा डी थीटा हो गया। इंटीग्रेशन sec थीटा डी थीटा इक्वल टू द लॉग ऑफ mod sec थीटा और प्लस tan थीटा और प्लस c और इसे बोल रहे थे जो लॉग sec थीटा sec थीटा की वैल्यू कितना है, sec थीटा की वैल्यू जो है x / a sec थीटा की वैल्यू कितना है, sec थीटा जो है x / a होता है। यहां x / a लिख देते हैं कि प्लस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस है ना और प्लस c। ठीक है, तो देखो लॉग x प्लस रूट ऑफ x / a होल स्क्वायर माइनस है ना / a ठीक है और प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर / a प्लस c। ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, यहां से आई इक्वल टू हो गया लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है माइनस लॉग ए माइनस लॉग ए प्लस c। ठीक है, आई इक्वल टू क्या लॉग एक्स मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और देखिए ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है माइनस लॉग ए प्लस सी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस सम क्या होगा कांस्टेंट, इसलिए सी हो जाएगा है ना। इसको नए कांस्टेंट सी दे देते हैं, तो इंटीग्रेशन डी एक्स / रूट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी log mod x plus root of x square minus a square plus c ये आंसर होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड रख करें हैं, लेफ्ट साइड हो गया
इसी के पहले फिफ्थ है, फिफ्थ पहले बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी लाग में आ रहा है ना, तो चलिए फिफ्थ देते हैं। मिटाएं देखिए थ्री पहले फिफ्थ है आपका, देखिए थ्री पहले देख लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आई को लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, तो इसमें देखिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स सेक थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों से कोई एक लीजिएगा आपका इंटीग्रेशन इजी आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या लेंगे ए सेक थीटा, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करें तो डी एक्स बाय डी थीटा क्या हो जाएगा ए सेक ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका ए सेक थीटा और टेन ऑफ थीटा, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब ये वैल्यू इसमें लग लीजिए तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन dx वैल्यू है आपका a sec थीटा tan थीटा और d थीटा अपॉन ये हो जाएगा a sec थीटा रूट ऑफ a sec थीटा होल स्क्वायर माइनस है ना, ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन a sec थीटा tan थीटा अपॉन ये जगह ए सेक थीटा है ना, और फिर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस होना, फिर जगह ए ए सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, फिर टाइन ऑफ थीटा हो गया डी थीटा हो गया अपॉन ए ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर जब बाहर होगा रूट के तो ए है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा होता है,
आई स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ना, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा अपॉन ए स्क्वायर काम ले लीजिए तो परिकट क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है। तो एक ये तो पड़ जाएगा, एक और बचेगा, एक और दो और यहाँ, एक और है ना, एक एक और यहाँ बच जाएगी, वन बाई ये हो गया और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा होगा ना। तो वन बाई ए सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा पड़ जाएगा डी थीटा हो जाएगा। तो वन बाई ए थीटा हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। तो वन बाई ए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान जो है कितना होता है, थीटा का मान कितना है। तो एक्स इक्वल टू हमें मालूम है ए टाइम थीटा ना, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ, फिफ्थ आ जाएगा। फिफ्थ क्या मतलब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके वैल्यू आपको प्रूव करना है वन बाई टू ए वन सॉरी ना होगा मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए चीज आपको प्लस सी है। तो इसमें देखिए आई स्क्वायर कितना है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे होता तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा लेते हैं या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा लेते हैं। इससे क्या होगा जो इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए तो डी एक्स बाई डी थीटा ए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू ए टेन ऑफ थीटा होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर ना, देखा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वन, इसे बढ़ गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होगा सेक थीटा होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा क्या होगा कि इंटीग्रेशन से थीटा डी थीटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करते हैं कि वो क्या होता है सेक थीटा होता है प्लस टेन थीटा होता है ना प्लस सी। अब है यहाँ पर क्या ले सकते हैं लाओ रूट ऑफ इसको सेक थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये चीज हो जाएगा आपका टेन ऑफ थीटा ना और प्लस से, तो देखिए टेन में
और प्लस सी, एडिशन प्रोबेबिलिटी होता है इसको पॉइंट आर कर सकते हैं, एक्स वाई ए और प्लस यहाँ ऐसे ले लीजिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा लॉग लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। देखिए हमने क्या आपको लॉग लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ना, इसको आगे लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग सी माइनस लॉग ए प्लस सी, क्योंकि लॉग एम बाई एम लॉग एम बाई एम होता है लॉग एम माइनस लॉग एम होता है ना। तो देखिए माइनस लॉग ए प्लस सी कॉन्स्टेंट है तो दो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस एक कॉन्स्टेंट होगा, उस कॉन्स्टेंट को सी लिख लेते हैं तो सी हो गया। तो इंटीग्रेशन आपके हो गए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, ये बात लॉक हो गया कौन सा फिफ्थ होगा ना। अब उसके बाद सिक्स देखिए प्लस ए प्लस बी हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी हो जाएगा
यहाँ कांस्टेंट है, वन है राइट साइड में, तो ए ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी ना। यहाँ से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो है वन बाई टू, वन बाई टू, ए प्लस बी जो है वन बाई टू, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है वन बाई ए, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब दूसरा एक्स का कोएफिशिएंट कितना, माइनस ए प्लस बी है ना, तो माइनस ए प्लस बी हो, और राइट साइड कितना है, एक्स का, एक्स नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट जीरो हो, तो टू अननोन टू इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ए बी इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है। तो वन एंड टू को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, वन टू ऐड कर लीजिए, तो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, तो टू बी हो जाएगा, तो टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई ए, यहाँ से बी इक्वल टू वन अपॉन टू ही, ठीक है, बी इक्वल टू वन अपॉन टू। और उसके बाद में बी इक्वल टू कितना होगा, बी इक्वल टू ये है, यहाँ पे देखिए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो बी इक्वल टू जीरो, इस टाइप से ए बी दोनों की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन टू, ठीक है। अब ये वैल्यू रख देते हैं, ये सोलह पढ़ते हैं, ये पढ़ क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू ला के यहाँ रख दीजिए, किसमें, इस इक्वेशन में, फिर देखो वन अपॉन ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स ना इक्वल टू वन अपॉन टू ए और वन अपॉन ए प्लस एक्स और फिर बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू कितना प्लस बी बी बाई ए, तो प्लस बी अपॉन प्लस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए और वन अपॉन ए वन ए, ये हो गया, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, सर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन टू ए वहाँ ले लीजिए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो गया, और कितना हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू ए, फिर इधर लॉग ए प्लस एक्स और प्लस इसको डिफरेंशिएट करें क्या होगा, लॉग ए माइनस एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन टू ए लॉग और ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स ना माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, और तो वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस ए, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये तो अब उसके बाद सेवन कर दे, इसको मिटा देना हाँ, सेवन पार्ट, ये सब फार्मूला है, क्वेश्चन भी है, डायरेक्शन दिया।
सेवन और पहले से मैंने विभाजित इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना इसकी वैल्यू फाइंड करना है इसकी वैल्यू हमको दिखाना होगा ना अपॉन टू ए लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी ये दिखाना जिसे हम फैक्टर करेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा वन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ठीक है अब पार्ट सेपरेशन से इसको तोड़ लेंगे ये 1 अपॉन x माइनस a इनटू x प्लस a तो इसको पार्ट सेपरेशन से x माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस a लिख देते हैं लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a इनटू x प्लस a इसको a x प्लस a और प्लस b x माइनस a अपॉन x माइनस a इनटू x प्लस a दोनों पढ़ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए इसको टू ना तो ए प्लस बी इंटू एक्स और बी प्लस क्या हो जाएगा ए ए माइनस बी इसको टू ना तो ए प्लस बी इसको टू जीरो ए ए माइनस बी इसको टू क्या हो जाएगा वन ये क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ से ए मान बी क्या देगा वन बाई ये क्वेश्चन नंबर वन तो वन प्लस दोनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा टू ए इक्वल टू वन बाई ए इक्वल टू वन अपॉन टू ए तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन टू तो बी इक्वल टू क्या माइनस ए बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू ये वैल्यू इसमें ला कर रख दिए तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए वन अपॉन टू ए इनटू वन अपॉन एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन टू ए इनटू वन अपॉन एक्स प्लस ए ना अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए वन बाई टू है तो दोनों टर्म में कॉमन बन जाएगा तो वन बाई टू बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए फिर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए ठीक है अब इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या मिलेगा तो ये आई इक्वल टू हो गया वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ठीक है माइनस माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस वेरी क्लोज और प्लस सी ना तो आई को क्या हो जाएगा वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी मॉड ठीक है तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस ये आपका ये सात तो फार्मूले आपको प्रूफ हो गए ठीक है और ये फार्मूले पूछे जाते हैं इनका डायरेक्शन पूछा जाता है अब इस पर चलिए बेस सम करते हैं तो चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन बताइए कौन सा जहाँ